तेलंगाना राज्य में, जहां आज यहां के चीफ मिनिस्टर स्वयं म्यूनिसिपल मिनिस्टर भी हैं, आज म्यूनिसिपल डिपार्टमेंट में एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। 8,868 करोड़ का घोटाला आज पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के जरिए चीफ मिनिस्टर ने किया। यहां उनके खुद के ब्रदर इन लॉ, उनके खुद के जीजा जो हैं सृजन रेड्डी, उनको 1,132 करोड़ का काम उनको दे दिया गया। इंडियन ह्यूम कंपनी करके एक कंपनी है, उसके साथ जॉइंट वेंचर करवा के आज चीफ मिनिस्टर ने, जिस कंपनी के पास कोई ना टेक्निकल क्वालिफिकेशन है ना उनके पास फाइनेंशियल कैपेबिलिटी है, आज ऐसे कंपनी को इतना बड़ा रकम का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। मैं चीफ मिनिस्टर को याद दिलाना चाहता हूं, उनसे कहना चाहता हूं, ऑफिस फॉर प्रॉफिट प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, इसके तहत सेक्शन 7, सेक्शन 11, सेक्शन 13 के तहत, इससे पहले आदर्श हाउसिंग सोसाइटी वाला स्कैम में अशोक चव्हाण जी ने इस्तीफा दिया था, इससे पहले येदियुरप्पा जी ने भी इलीगल माइनिंग केस में उनको इस्तीफा देना पड़ा लोकायुक्ता की तरफ से, आज आपको भी वही फ्यूचर, आपको भी वही आपका भी फ्यूचर में लिखा है। क्योंकि मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, ये आप जब स्वेरिंग आपने जब स्वेरिंग किया था चीफ मिनिस्टर के पद के लिए, आपने कहा, याद होगा आपको, कि आपके कोई फैमिली मेंबर को या आपके कोई रिश्तेदार को आपके ऑफिस के जरिए कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगी। पर आज सीधा सुदिनी सृजन रेड्डी, जो आपके ब्रदर इन लॉ है, उनकी कंपनी को आपने इतनी बड़ी प्रोजेक्ट देके इसको आपने फ्लाउट किया। मैं रिक्वेस्ट करता हूं केंद्र सरकार को, मैंने लिखा है एमएल खतर जी को, खतर जी जो आज केंद्र सरकार में मंत्री है अर्बन डेवलपमेंट के, उनको मैंने लेटर लिखा है पूरे डिटेल्स के साथ, आप कार्रवाई शुरू करिए, इंक्वायरी आप इमीडिएटली इनिशिएट करिए। और जो घोटाला है 8,888 करोड़ का, पहली बात तो आप ये सारे टेंडर रद्द करो, बाद में एक जांच शुरू करो और साथ ही साथ इमीडिएटली कार्रवाई शुरू करके इन पे एक्शन लीजिए। हमारे चीफ मिनिस्टर और म्यूनिसिपल डिपार्टमेंट में जितने भी जिम्मेदार लोग हैं, इन पे आप एक्शन लीजिए, ये हमारी डिमांड है।